बिग स्टॉक्स मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज हाँ। तीन तीन स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ मैं आज बिग स्टॉक्स में और सबसे पहला स्टॉक तो टाटा मोटर्स देखिए टाटा मोटर्स पर हजद कई बार स्पॉटलाइट में भी आया ये स्टॉक और लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप एक बार एंट्री कर लेना उसके बाद निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी है मार्केट अपने आप आपको निकालेगा और अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है फोर डिजिट्स के प्राइस टारगेट्स ओपन हो रहे हैं आज तक आज मैं देख रहा था एक रेटिंग आई है टाटा मोटर जेपी मॉर्गन नाइन ट्वेंटी फाइव का टारगेट ले आए हैं वो और ये रैली शुरू हुई थी करीब करीब साढ़े चार सौ पाँच सौ से ये सिकलीगल प्ले है और इसमें ना इन स्टॉक्स में क्या होता है जैसे आप टी वी एस मोटर का पिछले दो साल का चार्ट उठा के देखिए इन कंपनियों में अगर आप एक दो परसेंट भी मार्जिन इंप्रूव कर लें तो ई पी एस में सीधा आठ दस परसेंट का इंप्रूवमेंट आता है और उसके बाद वैल्यूएशन री रेटिंग होती है ये इस यही जो कंपनियां होती हैं जिनमें मार्जिन का टर्न अराउंड होता है उसमें हमेशा ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये जो जेला के मार्जिन हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं और एफ आई ट्वेंटी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्वेंटी टू थर्टी की बढ़त जे बी मॉर्गन तो इसके लिए उनका टाटा मोटर्स पर बाईक है खैर टाटा मोटर्स पर हम वैसे भी पॉजिटिव रहें काफ़ी टाइम से तो ये इसके लिए टाटा मोटर्स हो गया दूसरा है बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस पर कल अपडेट्स आए काफ़ी शानदार अपडेट्स हैं मॉर्गन स्टैनली की वो रिपोर्ट भी आई है आ, अगेन कई लोग कहेंगे कि अब जियो फाइनेंस भी इन सब बिजनेस में आ रहा है उसका इंपैक्ट होगा मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट होगा उसका और दस हज़ार के टारगेट्स अब आ, बजाज फाइनेंस पे फाइनली फिर से वो फाइव डिजिट्स के टारगेट्स आपको आ, दिख रहे हैं और एफ आई में थर्टी टू थर्टी फोर ग्रोथ इस बेस पर इस बेस पर इतनी एम ग्रोथ करना ये आपको बता रहा है कि इस कंपनी में कुछ जो ग्रोथ इंजन्स हैं आप और मैं भले इनके कॉल से परेशान रहते हो लेकिन मतलब कंपनी तो अच्छा कर रही है इसमें कोई डाउट नहीं है और ब्रोकरेज़ भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू लेकर आ रहे हैं इसके लिए तो ये यह यहाँ पर दूसरा हमारा स्टॉक है बिग स्टॉक और तीसरा बिग स्टॉक है हमारा जैसे कहते हैं ना आजकल किसी का अगर टाइम चल रहा हो तो उसकी सुननी चाहिए मोतीलाल ओसवाल का टाइम चल रहा है हाँ। वो जो जो रिपोर्ट लेके आ रहे हैं ना वो चल रही है दाल में भारत आपने देखा किस तरीके से चला लेमन ट्री आपने देखा क्या शानदार भागा आज वो लेकर आए हैं अपडेट शोभा पर शोभा पर उन्होंने एक बाय रिपोर्ट निकाली है टॉपिक बोला है उन्होंने मेरे ख्याल से रोज वो दो हजार एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं चौदह का टारगेट है अब पता नहीं ये मुझे कल आ गई थी या कल आ गई थी क्या ये रिपोर्ट